हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो हम सेपरेटली एक कंट्रोलर के ऊपर करने वाले हैं, और वो कंट्रोलर ये है। इसका खासियत यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि ये इंडियन है, दूसरी बात ये कि ये रिमोट में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये रिमोट में है। इस वाले रिमोट के साथ ये वर्क करेगा और ये इंडियन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड में इनपुट है नेगेटिव पॉजिटिव 5 वोल्ट। इस साइड से आप देख सकते हैं डाटा आउट है। यहाँ पे 8 पोर्ट आप देख सकते हैं, 8 वायर निकला हुआ है। इसको पोर्ट नहीं बोल सकते, लेकिन ये 8 वायर निकला हुआ है ना, 8 पोर्ट अलग अलग है। आप इस 8ों में यूज कर सकते हैं डाटा। और इसका खास बात यह है कि ये अब तक, आई होप कि ये अब तक यूट्यूब में किसी ने दिखाया नहीं होगा इस वाले कंट्रोलर के बारे में डिटेल्स से। शायद अगर कोई दिखाया भी होगा छोटा मोटा वीडियो में तो मुझे पता नहीं, बट पूरा डिटेल से कोई वीडियो बनाया नहीं है, मैंने सर्च किया हुआ है, आप भी देख सकते हैं। इसका खासियत क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। आपने अब तक जितने भी वीडियो देखे होंगे, जितने भी कंट्रोलर्स देखे होंगे या चलाए होंगे, उसमें नॉर्मल इस तरह का कंट्रोलर, जो छोटा कंट्रोलर है, ठीक है, उसमें स्पेशली अगर कोई इंडियन कंट्रोलर है छोटा सा आईसी कंट्रोलर में, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 4000-5000 LED चला सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा का कैपेसिटी नहीं है अगर आप विदाउट बूस्टर यूज करते हैं तो। लेकिन इसमें विदाउट बूस्टर आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिमोट पैरेलल कंट्रोलर है, 100x80। यहाँ पे देख सकते हैं 100x80, आप इसको 100x80 चला सकते हैं। ठीक है, या तो 50x160, यानी कि 8000 पिक्सल आप इस पर चला सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है बिल्कुल, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8000 पिक्सल आप इसमें चला सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन है कंट्रोलर। अब तक आई होप कि ये आपने यूज़ नहीं किया होगा इस तरह का कंट्रोलर, जिसमें आप 8000 पिक्सल एक साथ चला सकते हैं सेम कंडीशन में, वो भी रिमोट कंट्रोल के साथ सेम फंक्शन। जैसा चाहिए आप स्टिल कर सकते हैं इसमें, आप इसको मूविंग रनिंग में रख सकते हैं, आप इसको जिस तरह से भी चाहे उस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें ब्राइटनेस भी कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मोड को प्लस और माइनस, यानी मोड चेंज करने का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस प्लस एस माइनस स्पीड का है, स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऊपर में ऑटो का ऑप्शन देख रहे हैं, ऑटो कर सकते हैं, आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो ब्राइटनेस का जो दिखा रहा आपको ना, ये लाइट, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन देता है मैं बता देता हूँ। इसमें आपको ऑप्शन देता है 50 LED, 100 LED, 150 LED का इसमें ऑप्शन देता है। उसके बाद आपको ये ब्राइटनेस बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, पहला 3 क्लिक आपको 50, 100, 150 का ऑप्शन देगा, चौथा क्लिक ब्राइटनेस बढ़ेगा। ठीक है, और फिर आपको घटाना है तो वही सेम सिस्टम नीचे घटेगा। स्टिल रखना है तो ये सारा कलर, कोई भी कलर में आप इसको स्टिल में चला सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर, यहाँ पे जितना भी कलर है वो सारा कलर आप इसको स्टील में रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब तक का कोई भी कंट्रोलर, जो भी आप इंडियन कंट्रोलर में स्पेशली जो भी आप कंट्रोलर देखे होंगे, उसमें कोई स्टील का ऑप्शन नहीं दिखा। सिंगल कलर का ऑप्शन है, लेकिन सिंगल कलर में भी वो रनिंग ही होते रहता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 2 कंट्रोलर का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें स्पीड कंट्रोल और कलर सिलेक्शन का दोनों ऑप्शन था, और एक था जिसमें सिर्फ स्पीड कंट्रोल था, उसमें सिर्फ स्पीड का कंट्रोल था, और दूसरे वाले में आप कलर का सिलेक्शन और स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको देखिए, स्पीड कंट्रोल, कलर सिलेक्शन, ऑन ऑफ, ऑटो मोड, मोड चेंज करने का बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा मोड है इस पर, ब्राइटनेस, ये सब कुछ ऑप्शन आपको अब तक कोई भी इंडियन कंट्रोलर में नहीं मिला होगा जो इस पर है। ये इंडियन कंट्रोलर है, उसके बावजूद भी ये रिमोट है। ठीक है, आप कहीं से भी, दूर से भी ऑपरेट कर सकते हैं इसको, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। मैंने इसको रन कराया, चला के देखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको चला के देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको यूज़ करें। ये बहुत अच्छा क्वालिटी का कंट्रोलर है, मैं इसका पूरा फुल डेमो वीडियो भी देने वाला हूँ आपको, तो वीडियो में बने रहें। जो भी लोग नए आए हैं, जो भी भाई फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल में, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें हमारे वीडियोज़ को लोगों में, ताकि लोग देखें समझें। तो 1x1 मैं बहुत सारा कंट्रोलर आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है कंट्रोलर का भी। तो इस कंट्रोलर का आज है हमारा, तो आज इसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी डिटेल था मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अब हमारा काम जो बचा है वो इसका डेमो देना है। ठीक है, तो हम इस पर 8000 LED तो यहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं, तो एक दो झालर हम इस पर लगाते हैं पिक्सल का,
और मैं आपको इसका दिखाता हूँ डेमो करके कि रिमोट किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है इस पर, स्टिल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब तक का इंडियन में सबसे बेहतरीन, अगर पैरेलल कंट्रोलर आपको चाहिए तो ये सबसे बेहतरीन है। ठीक है, 8 पोर्ट में है, 8000 आप इस पर LED चला सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है, प्लस रिमोट कंट्रोल। तो दिखाते हैं इसका वीडियो, डेमो वीडियो, लाइट लगा के, पिक्सल लगा के मैं आपको इसको कंट्रोल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो बने रहें हमारे वीडियो में, और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही हमारा साथ देते रहें, सपोर्ट करते रहें। और हमारा एक ट्रेनिंग का कोर्स भी है, आप जान रहे हैं उसको, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना लिया है। हमारा जो ट्रेनिंग का कोर्स है जो स्टार्ट करने वाले हैं हम जनवरी में, तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग 10 से 15 लोग ऑलरेडी अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। 3 दिन में, आज 3रा दिन है। तो और कोई भी अगर चाहते हैं सीखना, काम सीखना, ठीक है, काम सीखना, प्रोग्रामिंग सीखना, तो आप आ सकते हैं। और जगह का प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत लोगों ने कॉल किया कि आप रहने खाने का क्या इंतज़ाम कर रहे हैं, तो खाने का तो पता नहीं, लेकिन रहने के लिए मैंने प्लानिंग कर लिया है कि जहाँ पे हॉल लेंगे, जहाँ पे क्लास के लिए हॉल बुकिंग कराने वाले हैं उसमें एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से सस्ता कम से कम खर्च में आपका हो जाए, बट वो खर्च आपका होगा, लेकिन कम से कम खर्च में, लेकिन एक ही जगह पे सबको एडजस्ट करना होगा, बड़ा हॉल होगा, उसी के अंदर कोशिश हो रहा, बात चल रहा है। ठीक है, तो अब तक जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, आप अगर चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास का टाइम जो मैंने डेट जो रखा था 5 से 10 जनवरी का, उसको भी 2-4 दिन के लिए आगे पीछे करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि उस टाइम पे गुरु नानक जयंती है शायद, तो गुरु नानक जयंती की वजह से बहुत सारे लोगों का काम है, जो टेंट वाले हैं उनका काम है, और बहुत सारे लोग डेकोरेशन लाइट का काम लिए हुए हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है। कॉल आया था बहुत लोगों का कि आप 2-4 दिन इधर उधर कर लीजिए उसको, तो उसको 2-4 दिन या 8 दिन 5 दिन उसको आगे पीछे किया जा सकता है, पहले तो नहीं किया जा सकता है, उसको आगे ही धकेलेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर इतना ही बात करते हैं। अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसका हम डेमो दिखाते हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको कनेक्शन कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमारा कंट्रोलर, सॉरी पावर सप्लाई है 10 एम्पीयर का, ये हमारा कंट्रोलर है, और यहाँ से हम 2 पिक्सल डाले हुए हैं अभी सैंपल के लिए, आपको दिखाने के लिए, डेमो के लिए। और ये आप यहाँ पे इफ़ेक्ट देख सकते हैं, अभी काफ़ी धूप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी धूप है, उसके बावजूद भी आपको इस साइड से ब्राइटनेस दिख सकता है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इफ़ेक्ट। देखिए इसमें इतना सारा इफ़ेक्ट है, और इसका देखिए 8000 चला सकता है, ये तो अलग चीज़ हो गया ना, लेकिन उसके अलावा जो इफ़ेक्ट आपको नॉर्मली नहीं मिल सकता वो सब कुछ इसके अंदर है। जैसे मैंने इसके ऊपर, इससे पहले मैंने पैरेलल कंट्रोलर के ऊपर 2 वीडियो लेकर आया हुआ था, जो 100 तक चला सकते हैं, 100 झालर तक, 5000 LED। तो उसमें क्या था, एक में था स्पीड कंट्रोल, ठीक है, एक में स्पीड कंट्रोल था, एक सेकेंड, हाँ ये वाला था, ठीक है, स्पीड कंट्रोल। इसमें हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, 50, 100 जो भी, ठीक है। और इससे चलता था कितना, 100 झालर यानी 5000 LED, ठीक है, और स्पीड को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा कुछ भी नहीं। उसके बाद एक और मैंने यहाँ पे दिखाया था, एक और कंट्रोलर जिसमें कलर सिलेक्शन का भी मोड दिया है, और स्पीड है, और ये साइज सिलेक्शन, ठीक है, जिसमें कलर सिलेक्शन भी है। तो वो 2 कंट्रोलर और ये अकेला कंट्रोलर, वो दोनों के बराबर नहीं, वो दोनों से ज़्यादा इसमें, ठीक है। क्योंकि देखिए इस पर आप कलर सिलेक्शन का ऑप्शन है, आप कोई भी कलर इसमें सिंगल कलर चला सकते हैं, आप रनिंग चाहिए तो रनिंग चला सकते हैं, स्टिल चाहिए तो स्टिल, इन सब में स्टिल नहीं हो सकता है, कोई चांस नहीं है, लेकिन इसमें स्टिल है। स्टिल का मतलब है अगर आपको कोई सिंगल कलर में ही रखना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिंगल एक ही कलर में, ग्रीन में रखना है, ठीक है, आपके पास ये रिमोट है, आप देखिए यहाँ पे ग्रीन है हमारे पास, हम क्या करते हैं यहाँ पे ग्रीन को टच करते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हो गया लाइट ग्रीन, ठीक है। अगर आपको डार्क ग्रीन करना है तो हमारे पास एक और ग्रीन का ऑप्शन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं अभी हमारे पास डार्क ग्रीन हो गया, और ये स्टील है। और ये नहीं सोचना है कि अगर फिर से पावर कट हो जाता है तो ये चेंज हो जाएगा, नहीं, मैं आपको पावर कट करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने पावर कट कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे भी लाइट नहीं है, अभी हम फिर से ऑन करते हैं इसको, ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप कितना देर के भी बाद में ऑफ करें, ऑन करें इसको, ठीक है, फिर भी ग्रीन रहेगा। मतलब अगर आप इस तरह का काम करते हैं
जहाँ पे आपको कलर सिंगल रखना है और स्टील रखना है आप इससे कर सकते हैं। प्लस ऑटो में अगर आप करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन दिया है, हम ऑटो करते हैं। ये देखिए ऑटो में, यहाँ देखिए मल्टी कलर है, हर कलर में इफेक्ट आएगा, वन बाय वन आपको आते रहेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्पीड, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्पीड प्लस और माइनस, स्पीड प्लस और माइनस, एस प्लस माइनस देख रहे हैं, यहाँ से स्पीड कम और ज़्यादा होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप देखें, ये देखिए स्पीड कम हो गया, फिर हम इसका स्पीड बढ़ाते हैं, ये स्पीड बढ़ गया, आप देख सकते हैं इसका स्पीड बढ़ गया। तो यहाँ स्पीड कंट्रोल भी हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए मोड, ठीक है, ये मोड है, माइनस प्लस जो है ना मोड, मैं आपको मोड भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मोड हमारा, ये है एक मोड, ठीक है, इसमें बार बार हर बार हर कलर आ रहा है, कलर इफेक्ट पूरा है। ये सेकेंड मोड हो गया हमारा, थर्ड मोड हो गया हमारा जिसमें रेड और वाइट ब्लू ये सब वन बाय वन अलग अलग इफेक्ट चल रहा है। ये फोर्थ मोड हो गया हमारा, ठीक है, ये फिफ्थ मोड हो गया, सॉरी ये फिफ्थ मोड हो गया। इस तरह से आप मोड चेंज करते रहें, हर बार आपको मोड अलग अलग, देखिए अभी ये सिर्फ रेड में चलेगा, ठीक है, ये सिर्फ रेड चल रहा है, अभी आपको ग्रीन चाहिए ये सिर्फ ग्रीन में रनिंग में चल रहा है, आपको ब्लू चाहिए ये ब्लू में रन कर रहा है, अगर आपको ब्लू स्टील चाहिए तो यहाँ पे ब्लू है, आप ब्लू को टच करें, ये देखिए ब्लू स्टील हो गया, ये स्टील ये रुक गया, अभी ये रन नहीं करने वाला है, पूरा घर आपका एक ही कलर का दिखने वाला। अगर आपको वाइट चाहिए स्टील में, ये वाइट हो गया, पूरा घर वाइट हो गया, ठीक है। तो ये इफेक्ट और ये क्वालिटी अब तक आपको मिला नहीं होगा, आई होप कि ये आप अभी तक यूज़ नहीं किए होंगे। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट प्राइस में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, और मेरे पास अभी इसका पूरा स्टॉक है, और आप चाहें तो इसमें किसी भी तरह का सेटिंग करके चला सकते हैं। ये पैरेलल कंट्रोलर है, यहाँ पे आपको ऑटो करना है, ऑटो करके छोड़ दीजिए, अगर आपको रनिंग चाहिए ऑटोमेटिकली ये बार बार अपना इफेक्ट चेंज करते रहेगा। अगर आपको खुद से ऑपरेट करना है जब भी, आप इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा, यानी इतना सारा फंक्शन अभी तक कोई भी कंट्रोलर में आया नहीं, वो भी स्पेशली इंडियन कंट्रोलर में। स्पीड में इसमें हम स्पीड इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, थोड़ा कम कर लेते हैं स्पीड को, देखिए स्पीड जितना ज़्यादा चाहिए आप करके रख सकते हैं। तो आज तक इंडियन कंट्रोलर में इस तरह का ऑप्शन मिला नहीं है जो ऑप्शन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, रिमोट और साथ में 8000 पिक्सल का कैपेसिटी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये कंट्रोलर तो काफ़ी बेहतरीन लगा है मुझे, अगर आपको लगा तो कमेंट करें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें इस कंट्रोलर के बारे में, अगर आपको पसंद आया तो। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप 50+100 भी अगर चलाना है तो 100 LED भी चला सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, ये है 50, अगर आपको 100 चलाना है तो ये मोड जो है प्लस करना है, मोड में प्लस में जाना है, आपको मोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहली बार जब तीन बार जब इसको क्लिक करेंगे बटन को, तो 100 और 150 का ऑप्शन देता है, उसके बाद माइनस करना है तो माइनस करके 50 तक ला सकते हैं इसको, और फिर से अगर आप मोड को दबाते रहेंगे तो कलर ऑप्शन भी इसी पे आने वाला है। देखिए 1 2 3, ये 3 बार दबाया, 4, अभी ये कलर का सिलेक्शन देगा, यहाँ से देखिए दे रहा है ग्रीन ब्लू, देखिए ये कलर पर्पल है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये वाइट है, रेड है, इस तरह का, ठीक है। फिर आपको यहाँ से अगर मल्टी कलर चाहिए तो ऑटो में डालना है, ऑटो कर दीजिए, यहाँ पे मल्टी कलर आ गया, ये सारा कलर में हर तरह का इफेक्ट आने वाला है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो में, और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, और लोगों से शेयर करें मेरे ये वीडियो, ठीक है, ताकि लोग देखें इस तरह का कंट्रोलर को, देखें और समझें। आपको विथ रिमोट मिलेगा ये कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर के साथ रिमोट मिलेगा, और ये बेस्ट क्वालिटी का है, आप इसको चलाइए, खुद से ट्राई करें, जितना ज़्यादा पिक्सल हो सकता है आप इस पर लोड दे सकते हैं, प्लस आप रिमोट कंट्रोल से हर तरह का इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इसमें आप स्टिल भी कर सकते हैं, जबकि अभी तक कोई भी कंट्रोलर में स्टिल करने का इतना सारा ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, स्टिल विथ कलर,
स्टिल कर सकते हैं विद कलर सिलेक्शन, जो भी कलर चाहिए उस कलर में आप स्टिल कर सकते हैं, ये सबसे बेटर है। क्योंकि इफेक्ट तो देखिए आपको नॉर्मली हर कंट्रोलर में, एक आईसी कंट्रोलर भी लगाते हैं तो इफेक्ट आपको कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन ये स्टिल करने का ऑप्शन प्लस रिमोट सिलेक्शन ये सब कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये अच्छा लगा होगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ। और जो भी लोग नए आए हैं हमारे चैनल में, पहली बार जो देख रहे हैं वीडियो हमारा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।